Hello, my dear viewers. Welcome you all to Scorpio Class Hindi. In today's video, I have brought question and answers of chapter Karnataka Sampada from Class 10 Karnataka Board. Explanation of the same chapter I have already uploaded. You can take the link from the description box. Here, the first main is एक वाक्य में उत्तर लिखिए. Answer in one sentences. First question is पश्चिमी घाट किसे कहते हैं? What is Western Ghats? और वॉट आर कॉल्ड वेस्टर्न घाट्स. आंसर, कर्नाटक में दक्षिण छोर से उत्तर तक फैली लंबी पर्वत मालाओं को पश्चिमी घाट कहते हैं. इन कर्नाटका द लॉन्ग रेंजेस एक्सटेंडिंग फ्रॉम साउथ एंड टू द नॉर्थ आर कॉल्ड वेस्टर्न घाट्स. देन नेक्स्ट, कर्नाटक में कौन कौन से जलप्रपात है? नेम द वॉटरफॉल्स ऑफ कर्नाटका. आंसर, कर्नाटक में जोग, अब्बी, गोकाक और शिवन समुद्र आदि जलप्रपात है. इन कर्नाटका वी हैव जोग फॉल्स, अब्बी, गोकाक एंड शिवन समुद्र. ओके, देन नेक्स्ट, श्रवण बेलगोल की गोमटेश्वर मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? व्हाट इज द हाइट ऑफ गोमटेश्वर मूर्ति इन श्रवण बेलगोल. आंसर, श्रवण बेलगोल की गोमटेश्वर की मूर्ति की ऊंचाई 57 फुट है. द हाइट ऑफ गोमटेश्वर मूर्ति इज 57 फीट. देन नेक्स्ट, किस नगर को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है? विच सिटी इज नोन एज सिलिकॉन सिटी. आंसर, बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है. बेंगलुरु इज नोन एज सिलिकॉन सिटी. देन नेक्स्ट, भद्रावती के दो प्रमुख कारखानों के नाम लिखिए. राइट द नेम्स ऑफ टू मेजर फैक्ट्रीज ऑफ भद्रावती. आंसर, भद्रावती में कागज और लोहे के बड़े कारखाने हैं. देर आर लार्ज फैक्ट्रीज ऑफ पेपर एंड आयरन इन भद्रावती. नेक्स्ट, सेंट फिलोमिना चर्च किस नगर में है? इन विच सिटी इज सेंट फिलोमिना चर्च लोकेटेड. आंसर, सेंट फिलोमिना चर्च मैसूर में है. इट इज लोकेटेड इन मैसूर. देन नेक्स्ट, बीजापुर नगर का प्रमुख आकर्षक स्थान कौन सा है? व्हाट इज द मेन अट्रैक्शन ऑफ बीजापुर सिटी. आंसर, गोल गुंबज की विस्परिंग गैलरी बीजापुर का प्रमुख आकर्षक स्थान है. द विस्परिंग गैलरी ऑफ गोल गुंबज इज द मेन अट्रैक्शन ऑफ बीजापुर. देन नेक्स्ट, अरबी समुद्र कर्नाटक की किस दिशा में है? इन विच डायरेक्शन ऑफ कर्नाटका इज अरेबियन सी. आंसर, अरबी समुद्र कर्नाटक के पश्चिम दिशा में है. अरेबियन सी इज इन द वेस्ट ऑफ कर्नाटका. पश्चिम मीन्स वेस्ट. देन नेक्स्ट, कर्नाटक की दक्षिण दिशा में कौन सी पर्वतमालाएं शोभायमान है? Which mountain range is beautiful in the south direction of Karnataka? Answer, कर्नाटक की दक्षिण दिशा में नीलगिरी की पर्वतमालाएं शोभायमान हैं. The Nilgiri ranges are beautiful in the south direction of Karnataka. Then next main is दो तीन वाक्यों में उत्तर लिखिए. Answer in 2 to 3 sentences. First question is कर्नाटक की प्रमुख नदियां और जलप्रपात कौन कौन से हैं? What are the major rivers and waterfalls of Karnataka? Answer, Karnataka की प्रमुख नदियां हैं कृष्ण, कावेरी और तुंगभद्रा. प्रमुख जलप्रपात है गोकाक, अब्बी, जोग और शिवन समुद्र. The rivers of Karnataka are कृष्ण, कावेरी एंड तुंगभद्रा एंड द मेजर waterfalls आर गोकाक, अब्बी, जोग फॉल्स एंड शिवन समुद्र. ओके, देन नेक्स्ट, कर्नाटक के किन साहित्यकारों को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? विच राइटर्स ऑफ कर्नाटका हैव रिसीव्ड ज्ञानपीठ अवार्ड. आंसर, कर्नाटक के 8 साहित्यकारों को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है. कुवेंपु, द र बेंद्रे, शिवराम कारंत, मास्ती वेंकटेश अय्यंगर, वी क्रू गोकाक, यू आर अनंतमूर्ति, गिरीश कर्नाड और चंद्रशेखर कंबार है. सो देर आर 8 राइटर्स ऑफ कर्नाटका हु रिसीव्ड ज्ञानपीठ अवार्ड. ओके, द नेम्स आर रिटन हियर.
देन नेक्स्ट, बांध और जलाशय के क्या उपयोग है? वॉट आर द यूजेस ऑफ डैम्स एंड रिजर्वॉयर्स? बांध मीन्स डैम एंड जलाशय मीन्स रिजर्वॉयर्स। आंसर, कर्नाटक की प्रमुख नदियों पर बांध बनाए गए हैं, इनसे हजारों एकड़ जमीन सींची जाती है। जलाशयों की सहायता से ऊर्जा उत्पादन केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिससे राज्य को ऊर्जा प्राप्त होती है। सी, डैम्स हैव बीन बिल्ट ऑन द मेजर रिवर्स ऑफ कर्नाटका, बाय विच थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ लैंड आर इरिगेटेड। विद द हेल्प ऑफ रिजर्वॉयर्स, पावर जनरेशन सेंटर्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड फ्रॉम विच द स्टेट्स गेट्स एनर्जी। ओके, देन नेक्स्ट इज, कर्नाटक के कुछ प्रमुख राजवंशों के नाम लिखिए। नेम सम मेजर डायनेस्टीज ऑफ कर्नाटका। आंसर, कर्नाटक के कुछ प्रमुख राजवंश है कदम, राष्ट्रकूट, चालुक्य, होयसल, ओडेयर आदि। सो द मेजर डायनेस्टीज ऑफ कर्नाटका आर कदम, राष्ट्रकूट, चालुक्य, होयसल, ओडेयर एटसेट्रा। देन नेक्स्ट, बेंगलुरु में कौन कौन सी बृहत संस्थाएं हैं? नेम द लार्ज इंस्टीट्यूशंस इन बेंगलोर। आंसर, बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान HAL, HMT, ITI, BHEL आदि संस्थाएं हैं। सो देर आर मेनी लार्ज इंस्टीट्यूशंस इन बेंगलोर, सच एज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, HAL, HMT, ITI, BHEL एटसेट्रा। ओके, देन नेक्स्ट, मैंने चार पांच वाक्यों में उत्तर लिखिए। आंसर इन 4 to 5 sentences। फर्स्ट क्वेश्चन इज, कर्नाटक के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द नेचुरल ब्यूटी ऑफ कर्नाटका। आंसर, कर्नाटक एक प्रगतिशील राज्य है। यहाँ की आबादी 6 करोड़ से अधिक है। इस राज्य को प्रकृति माता ने अपने हाथों से सवार कर सुंदर और समृद्ध बनाया है। पश्चिम में विशाल अरबी समुद्र है। लंबी पर्वतमालाओं को पश्चिमी घाट कहते हैं। इन्हीं घाटों में नीलगिरी की पर्वतमालाएं हैं। कुछ घाटों के भाग को सह्याद्री भी कहते हैं। ओके, सो सी, कर्नाटका इज अ प्रोग्रेसिव नेशन, यस, एंड इट हैज अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 6 crores। 6 करोड़ से भी अधिक है। इट हैज अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 6 crores। द रीजन वाई दिस स्टेट इज सो ब्यूटिफुल इज बिकॉज द मदर नेचर हरसेल्फ हैज डेकोरेटेड द ब्यूटी ऑफ दिस नेशन। ओके, एंड टू द वेस्ट वी हैव अरेबियन सी एंड द लॉन्ग माउंटेन्स आर कॉल्ड वेस्टर्न घाट्स, एंड इन दीज घाट्स वी हैव नीलगिरी माउंटेन्स। Some parts of the Ghats are also called as Sahyadri. So this was the description of Karnataka. Now the second one, Karnataka ke shilp kala ka parichay dijiye. Here you have to describe the art of craft of Karnataka, means the interior design. Okay? Answer, Karnataka rajya ki shilp kala anokhi hai. Badami, Aihole, पट्टदकल्लू में मंदिर की वास्तुकला और शिल्प कला अद्भुत है। बेलूरू, हलेबीडु, सोमनाथपुर के पत्थर की मूर्तियां सजीव लगती है और हमें रामायण महाभारत पुराणों की कहानियां सुनाती है। श्रवणबेलगोला में 57 फुट ऊंची गोमटेश्वर की मूर्ति दुनिया को त्याग और शांति का संदेश देती है। सो द इंटीरियर डिजाइन ऑफ कर्नाटक इज यूनिक, अनोखी है, मीन्स यूनिक। द आर्किटेक्चर ऑफ टेम्पल्स इन बादामी, आईहोले, पट्टदकल्लू आर अमेजिंग, एंड द स्टोन स्कल्पचर्स ऑफ बेलूरु, हलेबीडु, सोमनाथपुर सीम्स टू बी अलाइव एंड इट लुक्स लाइक एज इफ इट इज टेलिंग द स्टोरीज ऑफ रामायण महाभारत एंड पुराणास। एंड वी ऑल्सो हैव अ बिग स्टैच्यू ऑफ 57 feet ऑफ गोमटेश्वर विच गिव्स द मैसेज ऑफ पीस एंड सैक्रीफाइस टू द होल वर्ल्ड। ओके,
नेक्स्ट, कन्नड़ भाषा तथा संस्कृति को कर्नाटक के साहित्यकारों की क्या देन है? वॉट आर द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कर्नाटकास राइटर्स टूवर्ड्स कन्नड़ा लैंग्वेज एंड कल्चर? आंसर, कर्नाटक के अनेक साहित्यकारों ने संसार में कीर्ति फैलाई है। वचनकार बसवण्णा क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। अक्का महादेवी, अल्लम प्रभु, सर्वज्ञ जैसे संतों ने अपने वचनों द्वारा प्रेम, दया और धर्म की सीख दी है। पुरंदरदास, कनकदास आदि भक्त कवियों ने सदाचार के गीत गाए हैं। पंप, रण, कुमार व्यास आदि ने साहित्य को समृद्ध बनाया है। सो हियर द राइटर्स ऑफ कर्नाटका हैव मेड देयर नेम्स इन द होल वर्ल्ड। कीर्ति मीन्स नेम एंड फेम। दे हैव मेड देयर नेम इन द होल वर्ल्ड। बसवण्णा वॉज अ रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्मर। क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। He was a revolutionary social reformer, and saints like Akka Mahadevi, Allama Prabhu have spread and taught the love, kindness, and religion through their words. And devotee poets like Purandar Das, Kanak Das have sung the songs of virtue. And people like Pampa, Ranna, Kumar Vyas, etc. has enriched the literature. So these were some of the contribution done by the writers of Karnataka. Then next one is Khali Jagah Bharo, fill in the blanks. First one, Karnataka ko Chandan ka Agar kehte hai. Karnataka is also called as home of sandalwood. Next, Gomteshwar ki Pratima duniya ko Tyag aur Shanti ka Sandesh de rahi hai. Gomteshwara's statue is giving the message of sacrifice and peace to the world. Then, Mysore ka Raj Mahal Karnataka ke vaibhav ka prateek hai. The palace of Mysore is pride of Karnataka. Then, Karnataka ke anek sahityakaron ne sare sansar mein Karnataka ki kirti phailai hai. The writers of Karnataka have made their names in the whole world. Then next main is Kannada अथवा अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए. Here you have to translate either in Kannada or in English. I am translating in English. If you want to write in Kannada, you can. First one, कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है और इसकी राजधानी बेंगलुरु है. कन्नड़ा लैंग्वेज इज स्पोकन इन कर्नाटका एंड इट्स कैपिटल इज बेंगलुरु. Then next, कर्नाटक में चंदन के पेड़ विपुल मात्रा में है. सैंडलवुड ट्रीज आर इन अबंडेंस इन कर्नाटका. जगन मोहन राजमहल का पुरातत्व वस्तु संग्रहालय अत्यंत आकर्षणीय है. जगन मोहन राजमहल इज अ ग्रेट अट्रैक्टिव आर्कोलॉजिकल म्यूजियम. देन वचनकार बसवण्णा क्रांतिकारी समाज सुधारक थे. Basavanna was a revolutionary social reformer. Then next main is Paryayvachi Shabd Likhiye. Paryayvachi Shabd means synonyms. Same meaning, different words. Here first one is Sagar. Sagar means ocean. So you can also call Samudra, Sindhu, Ratnakar. It means ocean, Sagar. Okay. Second, Agar. Agar means many. विपुल, भंडार, बहुत, ज्यादा. ओके. देन नेक्स्ट, जल. जल मीन्स पानी, वॉटर, नीर, वारी. देन नेक्स्ट, आकाश. आकाश मीन्स स्काई, आसमान, गगन, नभ. ओके. सो आई होप यू आर सैटिस्फाइड विथ माई आंसर्स. And the remaining means of the objective I will be bringing in the part 2 of this video. If you like this video, hit the like button, share and subscribe my channel. Thank you. Till then, take care.